All kidding aside, of course, President Harris is a proud Howard alum. She might have something to say about Delaware State. अमेरिका की कमान राष्ट्रपति जो बाइडेन के हाथों में है और उनकी सरकार में कमला हैरिस उपराष्ट्रपति के पद पर है। यह बात तो सभी को पता है, फिर क्यों इसे एक बार फिर बताया जा रहा है? दरअसल सोशल मीडिया यह सवाल पूछ रहा है कि अमेरिका की कमान किसके हाथों में है। शुक्रवार को अपने भाषण के दौरान जो बाइडेन ने गलती से कमला हैरिस के नाम के आगे प्रेसिडेंट शब्द का इस्तेमाल किया। बस फिर क्या था, लोग बाइडेन की इस क्लिप को सोशल मीडिया पर शेयर करने लगे और पूछने लगे कि देश कौन चला रहा है। All kidding aside, of course, President Harris is a proud Howard alum. She might have something to say about Delaware State. बाइडेन ने कहा, मजाक को किनारे रखते हुए, निसंदेह प्रेसिडेंट हैरिस हॉवर्ड की एक गौरवान्वित पूर्व छात्रा है। बाइडेन ने साउथ कैरोलिना स्टेट यूनिवर्सिटी में भाषण के दौरान यह टिप्पणी की। वह पहले भी यह गलती कम से कम दो बार कर चुके हैं। बाइडेन की इस मामूली सी गलती की चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि कमला हैरिस और अन्य डेमोक्रेट्स के बीच बाइडेन की जगह लेने की होड़ मची हुई है अगर वह खुद 2024 में दूसरे कार्यकाल से पीछे हट जाते हैं। बाइडेन ने कहा कि वह एक बार फिर से प्रेसिडेंट रेस में शामिल होने की योजना बना रहे हैं, लेकिन वह पहले से ही सबसे उम्रदराज राष्ट्रपति हैं। कई डेमोक्रेट्स का मानना है कि बाइडेन अगले अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में शामिल नहीं होंगे क्योंकि लोगों के बीच उनका मानसिक स्वास्थ्य एक गंभीर चिंता का विषय है। बाइडेन ने नए ग्रेजुएट्स को उनके जीवन में संभावित तकनीकी विकास के बारे में बताया। बाइडेन ने कहा कि आप अगले 10 सालों में साइंस और टेक्नोलॉजी में अविश्वसनीय और अद्भुत बदलाव देखेंगे। बाइडेन ने कहा कि आप अगले 20 सालों में हमें 12 से 15,000 मील प्रति घंटे की रफ्तार पर कमर्शियल यात्रा करते हुए देखेंगे। 9 मिलीमीटर हैंडगन या .22 राइफल से दागी गई गोली की रफ्तार 800 मील प्रति घंटे की होती है। मतलब बाइडेन की अनुमानित कमर्शियल परिवहन गति बंदूक से चलाई गई गोली की तुलना में कई गुना तेज होगी। All kidding aside, of course, President Harris is a proud Howard alum. She might have something to say about Delaware State.